अगर तुमने तन्नू को यहां से निकाला या निकालने की कोशिश की, मैं इस घर में नहीं रहूंगा और तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगी। तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें। क्या? तन्नो, अब ले भी नाश्ता। जी मुमानी, बस ले आई। नाश्ता बना रही हो या पाए? ले भी आओ, सबको भूखा मारोगी क्या? जी बस आई। तो ये लड़की भी ना मुसीबत मारी, एक 3 घंटे से नाश्ता बना रही है, वो नहीं बना अभी तक। अकेली काम करेगी तो टाइम तो लगेगा, बाकी सब तो नवाब हैं यहाँ पर। क्या मतलब है आपका? मैं घर का कोई काम नहीं करती, सारे काम उसी से करवाती हूँ। एक नाश्ता क्या बनाने को कह दिया? आपकी तो मोहब्बत जाग उठी भांजी के लिए। कुछ अल्लाह का खौफ करो यार, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक अकेली लगी रहती है, ऊपर से तुम्हारी लान तान अलग, और क्या चाहिए? बस कर दे मतीन साहब, सुबह सुबह आपके मुंह लगने का मेरा कोई इरादा नहीं। ये लो, ये रख लो। ये क्या, इतने से पैसे? घर का राशन कैसे पूरा होगा? घर में इतने लोग हैं खाने के लिए, कितनी महंगाई है पता नहीं आपको? ये रख लो, बाकी बाद में दे दूंगा। बाद में कब देंगे? कुछ लोगों से पैसे लेने हैं, फिर दे दूंगा। मतीन साहब, ये मैं पिछले 10 साल से सुन रही हूँ, बाद में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, बाद में दे दूंगा, वो बात कभी नहीं है। जब से इस मनहूस ने घर में कदम रखा है ना, मेरे घर की तो खुशियां ही खत्म होकर रह गई है। पहले मियां का एक्सीडेंट, फिर बच्चा मरते मरते बच्चे, और रिज की तंगी अलहदा, पता नहीं क्या कुछ देखना बाकी रह गया मेरे लिए। तुम तो लो, इसी में रख लो। वैसे ये रिस्क की तंगी इसकी वजह से नहीं, तुम्हारे नाशुक्रेपन की वजह से। किसी का कोई कसूर नहीं है इसमें। हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है, बुरी तो इस घर में मैं हूँ, नाशुक्रापन तो मैं करती हूँ। जाए, आंसू साफ करें भांजी के, हमदर्दी हो रही है उससे। क्या हुआ तुम्हें बेटा? कुछ नहीं मामू जी। तो फिर यूं उठकर क्यों चली आई? नाश्ता नहीं करना? मैं जानता हूं तुम्हें रेहाना की बातों का बुरा लगा। नहीं मामू जी, मुझे मुमानी की किसी बात का बुरा नहीं लगता, अब तो आदत सी हो गई है उनकी बातों की, उनके जुमलों की। आप परेशान ना हो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। फिर ये आंसू? ये वो बिलाल ने ऑमलेट खाना था ना, तो उसके लिए प्यास काट रही थी। शायद इसीलिए आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, लोग इन्हें बहाना बना के कोई भी नाम दे लेते हैं। अगर मैं जानता हूं कि ये आंसू क्यों? कुछ नहीं जानते आप, और से देखिए, मैं नहीं रो रही, कोई आंसू नहीं है मेरी आंखों में। चलो ठीक है बेटा, कॉलेज नहीं गई आप आज? जी मामू, वो फर्स्ट पीरियड मेरा फ्री था आज, इसलिए लेट जाऊंगी। नौरीन तो कब की जा चुकी? जी शायद उसे लाइब्रेरी में कुछ काम था असाइनमेंट के लिए, इसलिए। दस मिनट हो गए बैठे हुए, मुझसे कह रहा था कि मुझसे पहले पहुंच जाएगा, अभी तक नहीं आया।
बिना वजह सुबह सुबह उठकर नींद खराब की मैंने अपनी। कहाँ रह गए थे? तुम्हें पता है ना मुझे इंतजार करना जहर लगता है। मैं बस अब जाने वाली थी। अरे मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई, भागता हुआ आ रहा हूँ। देखो मेरी सांस भी फूल रही है। और तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं है। 10 मिनट से अकेली पार्क में बैठी हूँ, हर आने जाने वाली नजरों का सामना करती हूँ। अगर तुम्हें फिक्र होती ना तो 20 मिनट पहले यहाँ आ जाती। अच्छा नौरीन, नाराज क्यों हो? हमेशा तुम्हें टाइम से आता हूँ। और वैसे मुझे भी पता चले कि तुम्हें कौन घूर घूर के देख रहा, जरा मैं भी तो उसकी खबर ले सकूं। पता है बड़े मोहल्ले के कुंडे बने फिरते हो। तुम्हें पता है अब्बा को तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नापसंद है। खैर छोड़ो, मुझे देर हो रही है, मुझे कॉलेज छोड़ दो। अगर उस तन्ने को पता चल गया ना कि मैं कॉलेज नहीं आई तो एक हंगामा कर देगी। बड़ी चुगलखोर है, हर वक्त मेरे और अम्मी के खिलाफ अब्बा की कान बढ़ती रहती है। अच्छा, लेकिन दिखने में तो बड़ी मासूम लगती है। शक्ल में मत जाओ, वो जितनी सीधी लगती है ना उतनी है नहीं। और वैसे तुम उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो? अगर इतनी अच्छी लगती है तो आइंदा उसे बुलाना। अरे तारीफ कहाँ कर रहा था, तो तुमने कहा तो मैंने बात कर दी, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? बस बस रहने दो, मुझे सब पता है। मुझे देर हो रही है, कॉलेज छोड़ दो। और हाँ, मोबाइल में 1000 का लोड करवा देना। 1000 का? लेकिन 2 दिन पहले 500 का तो करवाया था। अच्छा, तो सारी जिंदगी चलेगा वो तुम्हारा 500 कार्ड? और वैसे मैं करती क्या हूँ, तुमसे ही तो बात करती हूँ, अब कार्ड खर्च नहीं होगा क्या? लेकिन कॉल तो हमेशा मैं करता हूँ, तुम तो सिर्फ मिस कॉल देती हो, तो फिर कार्ड कैसे खत्म हो जाता? अच्छा अच्छा ठीक, नहीं दिलाना तो मत दिला, ज्यादा बातें मत बना। नाराज मत, पहले हम चल के कुछ खा पी लेते हैं, फिर मैं 1000 का कार्ड दे दूंगा, इसका थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे छुट्टी होने से पहले कॉलेज छोड़ देना। जैसा हुक्म मेरी मर्जी, अब चलें। बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, लगता है आजकल वर्कआउट कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आपको ऐसा लगता? जाहिर है भाई, अब हर रोज नाश्ते पे तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। सॉरी बाबा, आपको वेट करना पड़ा, आप नाश्ता कर लेते। जो पता है कि नाश्ता मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे आते हैं, और बात है जरूर है तो मुझे बता दो, तुम्हारी माँ को मैं मना ली। Are you sure? इसका मतलब है बात कुछ और है। नहीं नहीं, बेफिक्र रहे, अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर होगा तो आपको बता दें। जो बंदा रात 2 बजे के बाद सोएगा वो वॉक से वापसी पे तुम्हारा इस्तकबाल तो नहीं कर सकता। बड़ी बात होगी अगर 12 बजे भी उठ जाए। चलो हम बाप बेटा मिलके नाश्ते करते हैं, जाओ तुम नहा लो। चले ठीक है, मैं आ रहा अमारा, तुमने नौरीन को कहीं देखा? नहीं मैंने नहीं देखा।
अच्छा चलो ठीक है। साधिया तुमने नौरीन को कहीं देखा है? नहीं मुझे तो सुबह से दिखाई नहीं दी वो। हाँ तुम फायदे से पूछ लो शायद उसे पता। चलो ठीक है। तुम खुद को क्या समझती? तुम पूरे कॉलेज में मेरे बारे में पुष्टि कर रही हो। तुम चाहती क्या हो? मुझे कॉलेज में बदनाम करवाना, कॉलेज से निकलवाना? ऐसी बात नहीं है, तुम मिल नहीं रही थी इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी, परेशान हो रही थी। अच्छा वैसे तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे माँ बाप भी जिंदा है, तुम अपनी फिक्र करो क्योंकि तुम अकेले। अब जल्दी चलो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब अगर घर आ गए तो बिलावजा शोर मचाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ जी हाँ मेरी बात हो गई है, पर मैं बंदा भेजिए क्लेट करा दीजिए। नहीं नहीं शुक्रिया क्या बात है, फ्रेंड्स आर ऑलवेज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके बाय। हेलो हेलो आज आप घर पे हैं अभी तक? अल्लाह का शुक्र है तुम्हें मेरी मौजूदगी का एहसास तो है। ठीक कहा आप, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको मेरी मौजूदगी का एहसास है। शुभ बेगम एहसास होता नहीं, एहसास दिलाया जाता है। वेरी वेल, जैसे कि आपने मुझे हमेशा एहसास दिलाया है, हमारे दरमियान किसी और की मौजूदगी का एहसास। आप जैसी औरत से और किसी बात की तवक्को की भी नहीं जा सकती। ओ प्लीज डोंट स्टार्ट इट अगेन, मुझे अपनी सुबह बर्बाद नहीं करनी। ओके सुबह मुझे भी सारा दिन गुजारना है, बहुत से काम करने हैं और मैं अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता। तो फिर इंतजार किस बात का है, वहां से यहाँ तक आने की जहमत क्यों की? बाहर का रास्ता वो है, जाइए। बहुत शुक्रिया इजाजत देने का और रास्ता देखा। शुक्रिया शुक्रिया माय फट। भाई साहब पैसे? कौन सा पैसे? भाई मिठाई लिए पैसे नहीं देंगे। क्या मसला है भाई साहब? मिठाई लिए पैसे मैं उल्टा गर्दी कर रहा है। दू तुझे पैसे? अजय साहब इसको समझा ले वरना किसी दिन मेरे हाथों से खर्च हो जाएगा। हमें नहीं चाहिए बेटा पैसे, आप जाएं। आपके कहने पे इस बार छोड़ रहा हूँ मैं, आइंदा बदतमीजी करी तो नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं गुंडागर्दी करने, दुकानदारी करना मुश्किल बना दिया है। क्या भाई साहब गुस्से में लग रहे हो, खैरियत? होना क्या है, हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता है किसी न किसी बात पर लड़कों के साथ झगड़ा शुरू कर देता है। जुनेद की बात कर रहे हो क्या आप? मौलवी साहब से जाके शिकायत किया करें, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं। अब मौलवी साहब से क्या शिकायत करूं, वो तो इस बेशरम से खुद तंग आए हुए। और रही पुलिस की बात, मौलवी साहब को मुंह मार जाता है वरना ऐसे तो वो मदद चुकाओ अल्लाह की कसम याद करे। आप ठीक कह रहे भाई साहब, मौलवी साहब वाकई बहुत शरीफ आदमी है, ये लड़का उनकी इज्जत और वकार को मिट्टी में मिलाने में चला हुआ है। खैर एक पाव गाजर का हलवा दे दे तंजीला बेटी के लिए। हाँ आपको पता है उसको बहुत पसंद है,
मैं जानता हूँ आप बचपन से उसके लिए हलवा लेके जाते हैं, मैं पार्सल करवाता हूँ। ये नौरीन के अब्बा को देख के तेरी बोलती क्यों बंद हो जाती? नौरीन नहीं, भाभी, भाभी बोली। भाभी तो तब बोलूंगा ना जब वो शादी करेगी तुझसे, और वो तुझसे शादी करती है या नहीं ये अभी फाइनल नहीं है। आइंदा ऐसी बात करी तो तेरा ये मुंह तोड़ दूंगा। शादी वो मुझसे ही करेगी क्योंकि प्यार भी वो मुझसे ही करेगी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रुको जरा, जाकर जल्दी से रोटियां डाल दो, बाद में कपड़े चेंज करना। कसम से बड़ी भूख लगी है मुझे। और नौरीन को पानी भी पिला, देख गर्मी से कैसे लाल हो रही है। जी मोमानी। सुनो शाम का खाना जरा जल्दी बना लिया करो, शाम तक किचन में रहती हो फिर तुम्हारे मामू तुम्हें देखते हैं तो मुझे डांटते हैं। और हाँ मुझे याद आया, कपड़े भी तो धोने हैं मैंने निकाले हुए, और बिलाल का यूनिफॉर्म भी धोना है। ठीक है मोमानी, लेकिन अगर बिलाल का यूनिफॉर्म मैं कल धो दूँ, कल मेरा टेस्ट है उसकी तैयारी करनी। एक जोड़ा धोने में कितना वक्त लगेगा, धो दे। वो तो ठीक है नानी, लेकिन एक दिन की तो बात है, कल मैं सबके कपड़े धोऊंगी ही, बिलाल का यूनिफॉर्म भी धो दूंगी। असल में मेरा टेस्ट है, मुझे तैयारी करनी है। अब बिलाल के पास एक और यूनिफॉर्म भी तो है, वो इस्त्री कर देती हूँ, वो पहन जाएगा। बस ये अपनी पढ़ाई करो ना, हम पे ना झाड़ा कर। अब कपड़े धो दूंगी, कपड़े धो दूंगी, काम भी सभी करते हैं, तू कौन सा निराला करती है। पता है मैं कितना पढ़ती है, तू पढ़ने वाली शक्ल नहीं, बच्ची जैसी होती है ऐसी। चल जा जाके काम कर। बीबी ये मुझे भी मालूम है कि बिलाल का और यूनिफॉर्म है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा है ना कि वो यही यूनिफॉर्म पहन के जाएगा, तो यही जाएगा, जाके दो। जी छत पर तुम थी जी। जिन लोगों के चेहरे पर कुछ अलग सी मासूमियत और पाकीजगी होती है जिसे बयान नहीं किया जा सकता, एक अजीब सी कशिश है उसके चेहरे में। शायद यही वजह है जो उसे पहली बार देखते ही उसका चेहरा मेरे मेरे दिल में बस गया।